Moving on, the Delhi Police Force has become the first police force in India to have an all-female SWAT team. The team is made up of 36 women constables from northeastern states who have undergone intensive 15-month training program from experts both in India and abroad. These commandos are to be situated in strategic locations in central and south Delhi, including areas around the India Gate and Red Fort. सर हम लोग हर तरीके की ट्रेनिंग कर लिया है क्योंकि अगर आजकल तो आतंकवाद की बहुत हमला है ना उसके लिए हम हर तरह की ट्रेनिंग करके रेडी है हर सिचुएशन पर उसके मुकाबले करने के लिए हमने सब तरीके की ट्रेनिंग कर लिया है कि अगर मान लीजिए अगर टेररिस्ट ने किसी को बंदी करके रखा है तो उसको कैसे आसानी से हम उसको होस्टेस को बसा सकते हैं और अपने आप को कैसे बसाव में रखकर उसे भी बसा सकते हैं तो हर तरीके की ट्रेनिंग दिया है हर वेपन की ट्रेनिंग देती है हमको जैसे MP5 AK-47 इंसर्ट्स ग्लॉक 17 ग्लॉक 26 सबका वुमेन कमांडो टीम जो है ये हर तरह की टेरर सिचुएशन को डील करने के लिए जो भी ड्रिल होती है उसमें ये पारंगत है कॉम्पिटेंट है इन्होंने 15 महीने की ट्रेनिंग की है एक जनरल ड्यूटी कांस्टेबल 12 महीने की ट्रेनिंग करता है कमांडो लड़कियां जो हैं या कमांडोज हैं 15 महीने की ट्रेनिंग करते हैं 12 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है 3 महीनों की कमांडो ट्रेनिंग होती है 15 महीने की ट्रेनिंग के बाद इनकी स्किल सेट फर्दर इम्प्रूव करने के लिए हमने इनकी एनएसजी के साथ ट्रेनिंग कराई है और तब जाके हमने इनको इंडक्ट किया है स्वेट टीम में